प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को जिला मुख्यालय उज्जैन पर संभागीय बैठक ली और जरूरी निर्देश दिए। इसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। उज्जैन विकास की योजनाओं पर उन्होंने मंथन किया। उज्जैन में कैबिनेट मीटिंग करने की घोषणा सीएम शनिवार रात ही भरे मंच से कर चुके हैं। प्रदेश के अन्य तीर्थ क्षेत्रों में भी कैबिनेट हो सकती है। सीएम डॉक्टर यादव एक्टिव मोड में आ गए हैं। रविवार सुबह 10:30 बजे उन्होंने प्रशासनिक संकुल हॉल में संभाग के सभी कलेक्टर, कमिश्नर और पुलिस अधिकारियों के साथ उज्जैन विकास की योजनाओं पर चर्चा की। 2028 में सिंहस्थ का आयोजन भी होगा। इसके मद्देनजर सरकार अभी से सजग हो गई है। बैठक में सीएम ने सभी अधिकारियों से विकास की योजनाएं मांगी। सीएम डॉक्टर यादव उज्जैन में कैबिनेट की मीटिंग आयोजित करने की घोषणा कर चुके हैं। भोपाल स्थित सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही तारीख तय कर इसे सार्वजनिक किया जाएगा। सीएम डॉक्टर यादव ने मकर संक्रांति के आसपास इसे आयोजित करने का संकेत दिया है। अप्रैल 2023 से वहाँ पे पता चला। नमस्कार सर, मैं ऋषभ गुप्ता कलेक्टर देवास सर। एक साथ प्रधानमंत्री ने कल जो यात्रा सफलता के साथ हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ है। आज इससे हमने अपने संभाग की आर्थिक दृष्टि से विकास के मामलों को लेकर के बैठक प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। उसमें दसों संभाग में सबसे पहले उज्जैन संभाग की बैठक ली है, जिसमें सभी माननीय सांसद विधायकों को आमंत्रित किया था और हमने विभागों की विकास के मामले में माननीय मोदी जी की जो कल्पना है कि विकास की प्राथमिकता सबसे पहले होना चाहिए, ऐसे विकास के कामों का एजेंडे पर बात की है और कोशिश कर रहे हैं कि ये लगातार सभी संभागों की बैठक करेंगे और उन संभाग के अंदर इन सब कामों का संभाग, जिला और विधानसभा इकाई अर्थात एसडीएम की जो इकाई होती है, एसडीएम जिला और संभाग और फिर बाद तो ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था में सभी कामों की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, सभी की गुणवत्ता बनी रहे, जनता के हित के निर्णय सबसे पहले लागू हो, ऐसे विकास कामों की हमने चर्चा की है। मैंने अपनी ओर से उज्जैन में कोशिश की आने वाले समय में ये विकास के काम और तेजी से चलते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।